हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ बोर्ड मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन 2021-22 पीएसबी बोर्ड टर्म टू एग्जामिनेशन क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट फिजिक्स। टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 35। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। नोट इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर हैज टोटल 17 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वन डायोप्टर इज पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 1 मीटर। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट? 0। इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑफ अ फोटो सेंसिटिव प्लेट इज डबल, हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज? तो इसका आंसर आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज विद द चेंज इन इंटेंसिटी। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाइमर सीरीज। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है, नेम द टाइप ऑफ मटेरियल विच हैज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड ऑन द ऑर्डर ऑफ 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर है, इन सच अ स्मॉल बैंड गैप इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम वी बी टू सी बी आफ्टर गेनिंग अ लिटिल एनर्जी, सो इट इज अ कंडक्टेड। वॉट इज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट? ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो पहले आपको इसका डेफिनेशन लिखना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, और डिस्क्राइब करना है कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ से आप दोनों को डिस्क्राइब करेंगे, इसको आपको थोड़ा सा समरी में इसको आपको समझाना पड़ेगा। कॉज ऑफ डिस्पर्जन यहाँ पर रे डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसमें कुछ फॉर्मूला आपको डेराइव करना है। उसके बाद इसका और पर दिया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2.22। फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, 1/u + 1/v = 1/f। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसके लॉ को आपको बताना है, तो इसको आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसकी क्या लॉ है वो यहाँ से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा है, स्टेट डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस फॉर मैटर वेव्स एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ। उसके बाद यहाँ पर आप पहले इसको बताएंगे, डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद इसकी फॉर्मूला जो होता है उसको आपको डिराइव करना है। तो यहाँ से आपको पता होगा लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी होता है, तो यहाँ से आप पूरा डिराइव कर सकते हैं, पीडीएफ में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया, तो इस न्यूमेरिकल को आप देख सकते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, नेचुरल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आर न्यूक्लियाई ऑफ हायर मास नंबर वाई। इसका आंसर आपको करना है। उसके बाद आपका ये 10th क्वेश्चन, यहाँ पर जो पेयर दिया है कौन आइसोटोप्स और कौन आइसोबार्स है इसको आपको बताना है। आइसोबार हैव सेम मास, आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से इसका आंसर आप देख सकते हैं। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिफरेंस बताना है। यहाँ पर मेजोरिटी क्या होता है, कैरीज होता है इलेक्ट्रॉन, होल्स ऑफ मेजोरिटी कैरीज होता है, होल्स आर माइनॉरिटी कैरीज, इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरीज, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। स्टेट द रीजन व्हाई गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग अ सोलर सेल। क्वेश्चन नंबर 14 पर न्यूमेरिकल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्वल डबल कॉन्वेक्स लेंस इज 1.5, व्हाट इज द फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू आर। तो यहां से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद बाय यूजिंग ह्यूजेन प्रिंसिपल प्रूव दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में मेंशन करना है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे,
और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इस तरह से आप इसको डेराइव करेंगे, इस तरह से पूरा आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट रेडियो एक्टिव डिके लॉ प्रूव दैट रेडियो एक्टिव डिके इन एक्सपोनेंटियल इन नेचर, बताना है। इस तरह से इसका पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम पर आ सकते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर ऑफ अ वेव एमिटेड बाय अ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, इसके बारे में मेंशन करना है। एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये पूरा स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इस तरह से पूरा आंसर आपका कंप्लीट होगा। थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन है ये, अच्छे से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट, व्हाट इज रेक्टिफायर्स, क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ अ लेबल सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर्स। सबसे पहले रेक्टिफायर्स क्या होता है, उसके प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, तीनों स्टेप्स आपको, और एंड देन रे डायग्राम आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। फिर लास्ट में आपको वर्किंग प्रोसेस के बारे में समझाना है। इस तरह से पूरा आंसर आप यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 17, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल रे डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल इमेज विच इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप, डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट मैग्नीफाइंग पावर्स। एस्ट्रोनॉमिकल आपका टेलीस्कोप क्या होता है, और कैसे आपको व्हेन फाइनल इमेजेस फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ से इसका पूरा आप डेराइव देख सकते हैं एंड रे डायग्राम देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर्स को आपको कैलकुलेट करना है। इस तरह से पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप्स आपको फॉलो अप करना है, इसको पूरा आंसर यहां से आप देख सकते हैं। और यहां पर टू क्वेश्चन दिया गया, व्हाट टाइप ऑफ वेव शो प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन, इसको आपको बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आप यहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहां से पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो यहां से आप देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो कमेंट पर मैसेज करें, टेलीग्राम चैनल बना है वहाँ पर, ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, पूरा PDF अवेलेबल है, और भी अदर स्टडी मटेरियल्स वहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो वहाँ पर आपको टर्म टू की पूरी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये पूरे आप जितना भी मैंने मटेरियल्स वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं पूरा आप कवर कर लेते हैं, तो आप 35 ऑफ 35 स्कोर करोगे, गारंटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।